नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के गौघाट सिंह वीरपुर धाम में। हमारे बीच में मानस बाबा हैं और भारत में हाल ही में कई घटनाएं सनातन धर्म को लेकर हो रही हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में गाय के चर्बी और मछली के तेल से लड्डू बनाए गए, उस पर बाबा जी से हम राय लेते हैं। बाबा जी, ये घटना हुई है, आप सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर लड्डू में तेल, मछली का तेल और गाय की चर्बी मिलाई गई थी। हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर सदैव से कुठाराघात होता रहा है, तो यह कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, अब वहाँ तो ये चीज़ें भारतीय स्टेट बैंक को दी गई हैं। चूँकि लड्डू की व्यवस्था का ठेका भारतीय स्टेट बैंक ने ले रखा है, तो पूर्णतः जिम्मेदार तो भारतीय स्टेट बैंक होता है कि हिंदुओं के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ तो भारतीय स्टेट बैंक का उसमें क्या रोल है। उसने वहाँ का पूरा टेंडर ले रखा है, सब कुछ जिम्मेदारी उसने ले रखा है, तो उसकी भारतीय स्टेट बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस चीज़ को देखे, इस चीज़ को दूर करे। ये बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे सनातन धर्म पर हो रहा है और निरंतर हो रहा है। अच्छा, कहीं न कहीं से हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाई भी दोषी हैं, क्योंकि उनको भच्छा भच्छ खिला के उनकी बुरी आदतें डाल रहे हैं, वो भी उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, वो भी खाने लगे हैं उल्टा सीधा चीज़ें, दोषी हैं। अच्छा, गाय कट रही हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू भी दोषी है। अगर हिंदुस्तान का हर हिंदू एक एक गाय पाल लेगा तो गौवें कम पड़ जाएंगी पालने के लिए। 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान राम लला का विराजमान मंदिर जो स्थापित हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें भी लड्डू आए थे बाबा जी क्या? हाँ, लड्डू आए थे, लेकिन यह आरोप लगाना कि हाँ उस लड्डू में भी ऐसा था, यह तो सनातन धर्म के साथ, हिंदू भक्तों के साथ खिलवाड़ होगा, उनके हृदय में आघात पहुंचेगी कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ घटनाएं हैं यही घटनाएं हैं, मूल रूप से यही घटनाएं हैं, इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो घटनाएं हो रही हैं बाबा जी, आप गौ घाट पर मौजूद हैं, यहाँ पर रविवार को चोरी की घटना हुई है और भगवान की मूर्ति को चोरी कर ले गए हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, भगवान की मूर्ति आज नहीं, सनातन काल से चोरी होती आई है। आप जानते हैं यहीं राम दुलारे दास महाराज रहा करते थे, वहाँ भी अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई थी, चोर अंधे हो गए थे। तो भगवान को भी कुछ ना कुछ चमत्कार ऐसा दिखाना होगा कि मूर्तियाँ बचें। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ भी पहले भी मोटर चोरी हो गई, समरसेबुल चोरी हो गया। हाँ, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दो सिपाहियों को बैठा देना दो चार दिन के लिए, आश्रम की रक्षा थोड़ी है। हमारे ऊपर भी तमाम आक्रमण गऊ घाट में और वहाँ गऊओं को लेकर होते रहे हैं, ये तो होता रहा है। लेकिन प्रशासन को चाहिए, प्रशासन अगर चाह ले तो 24 घंटे के अंदर मूर्ति आके रख उठेगी। भगवान की तपस्या, भगवान की पूजा करने के लिए जो भक्त होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो एकांत में ही निवास करते हैं, तो एकांत में गंगा के तट पर यह गऊ घाट है और यहीं से कुछ दूरी पर मानस बाबा का वहाँ पर भी आश्रम है, तो ये लोग यहाँ पर पूजा पाठ तपस्या करते हैं भगवान के प्रति। और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इनकी सुरक्षा की जाए, पुलिस प्रशासन क्या मांगे, क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए? नहीं, पुलिस प्रशासन का मतलब ये है कि एक बार राउंड लगा देने पर जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। चोर की जब गर्दन दबोची जाएगी तो अपने आप सब कुछ जितना है सब बरामद होगा, वो अपने पर आ जाए, प्रशासन अपने पर आ जाए, स्टेशन अफसर अपने पर आ जाए, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। बस ये है कि वो इंटरेस्ट लें कि हाँ ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम भले माल बरामद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोबारा तो ऐसा ना हो। हमारे साथ भी कैसा हुआ, वहाँ राम दुलारे दास महाराज रहते थे, वहाँ मौनी बाबा आश्रम में भी ऐसा कई बार हुआ, यहाँ भी ऐसा होता रह रहा है, तो ये तो जिम्मेदारी है कि देखना। हाँ, जो तिरुपति मंदिर में जो घटना हुई है, जो वहाँ पर विवाद हुआ है लड्डू को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो यहाँ पर आसपास भी घटनाएं होती रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी अन्य धर्म पर कोई भी कोई एक बात अगर कोई गलत बोल देता है, चाहे जिस कोई भी धर्म हो, बहुत धरना प्रदर्शन, बहुत बवाल हो जाता है, लेकिन उनके लिए बोर्ड है, उनके लिए संगठन है, लेकिन अपने आप हिंदू धर्म के लिए क्या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे ये सब रोकथाम हो सके? देखिए, हिंदू का मतलब ही है हिंसक प्रवृत्तियों को मार देना। हिंदू सीधा साधा होता है, हिंदू दयालु होता है, वो हर धर्म के प्रति दया भाव रखता है। यही कारण है कि हमेशा से टूटता आया है हिंदू को। इस समय कट्टर और कठोर होने की आवश्यकता है। अगर वह कट्टर और कठोर हो जाएगा तो धर्म को बचाया जा सकता है, अन्यथा धर्म को नष्ट करने पर संपूर्ण धर्म हिंदू धर्म से ही तोड़कर बनाए जा रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं मानस बाबा, पीठाधीश्वर, पातालपुरी माँ कंकाल काली आश्रम, जय माता की।
तो ये थे मानस बाबा, जो हिंदू धर्म पर सनातन धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया कि यहाँ पर जो घटना चोरी की हुई उसको भी लेकर इन्होंने बड़ा अच्छा अपना वक्तव्य दिया, बयान दिया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन चौकसर रहे और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात किया जाए और सनातन धर्म पर जो कुठाराघात किया जा रहा है उसका रोकथाम किया जाए। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ करना समाचार, प्रयागराज।